सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, पीएनसी तो हर एग्जाम में आता है, बट प्रोबेबिलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, सबसे बेस्ट फ्लेवर चाहिए प्रोबेबिलिटी का, तो आपको देखने चाहिए वो सवाल जो जैट और आईएफटी में आ चुके हैं। एज पर द यू नो कुछ प्रीवियस से वाले क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आए हैं। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी काफी कनेक्टेड टॉपिक्स है, ठीक, और दोनों को ही हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। बट आज प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। दो सवाल हम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दोनों जैट से। ये पहला सवाल देख लीजिए, ये आया है जैट 2018 में और ये जैट 2020 में। इसी तरह से सवाल आईएफटी वगैरह में भी आते हैं एंड कैट में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सवाल। देखिए, सवाल में खासियत ये है, दोनों सवालों में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप पीएनसी में भी देखोगे, बहुत फॉर्मूले नहीं पसंद है कैट को, जैट को, ठीक है, या जैसे आईएफटी वगैरह की बात करी जाए, पर द क्रूशियल पॉइंट इज उन्हें आपकी अप्रोच पसंद है। अगर हमारी अप्रोच और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, हम सवाल आराम से कर पाएंगे। यही आप कैट में भी देखते हैं, तो यहां पर भी देखेंगे कि ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला हमने याद किया था नहीं बना तो सवाल नहीं। अगर आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो दैट इज सफिशियंट टू आंसर दीज क्वेश्चन। बट हाँ, अप्रोच चैलेंजिंग होती है, कॉन्सेप्ट चैलेंजिंग होता है और सवाल काफी मजेदार बनते हैं। ठीक है, तो ये दो सवाल देखते हैं और समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी में ये जो एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली कैट जैट, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये 2018 जैट का है। अच्छा, पता नहीं, आई डोंट नो कि कैट में थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम सा हो गया और पीएनसी तो लगभग हर साल ही आता है कैट में, तो वो तो बात नहीं है, बट मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी कभी भी आ सकता है दोबारा। एंड आई थिंक प्रोबेबिलिटी की जल्दी री एंट्री होनी चाहिए कैट में, जिस तरह से प्रोमिनेंटली जैट पूछ रहा है, कैट को भी पूछना चाहिए। बट यू नेवर नो, कभी भी आ सकता है और पीएनसी तो आता ही आता है, उसकी बात ही नहीं। सो देयर इज अ कॉइन ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस जिसको हम रैंडमली एक स्क्वायर फ्लोर में फेंक रहे हैं, ठीक है, मतलब ड्रॉप कर रहे हैं, और वहां पे टाइलें लगी हुई हैं स्क्वायर शेप की, ठीक है, तो फ्लोर भी स्क्वायर है, उसमें टाइलें भी छोटी छोटी लगी हुई हैं, उनका डायमेंशन क्या है, 10 सेंटीमीटर ईच। 10 सेंटीमीटर ईच, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल लैंड कंप्लीटली विद इन अ टाइल। अब आप इमेजिन करिए, जैसे मान लो वॉशरूम या कोई नॉर्मल रूम में मान लो टाइलें लगी हुई हैं, तो टाइलें इंटरसेक्ट करती हैं, बीच में हमने सिक्का उछाला, तो जरूरी नहीं कि जो सिक्का है वो पूरा टाइल के अंदर आएगा, थोड़ा हिस्सा बाहर भी हो सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज की चाहिए कि सिक्का पूरा टाइल के अंदर आएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, बड़ा मतलब बड़ा लॉजिकल सवाल था और काफी मजेदार सवाल था। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम एक टाइल की बात कर लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइलें हैं उसमें, पर हम एक टाइल को ऐसी रफली बना लेते हैं, बस रफ सा डायग्राम काफी रहेगा। ये हमने बाहर की एक टाइल बना ली, स्क्वायर शेप की है, ठीक। अब अगर सिक्का पूरा अंदर रखना है, सिक्के का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लो कुछ इस तरह से, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो इसे पूरा अंदर आने के लिए ये जो सेंटर है, ये सेंटर जो एज ऑफ द टाइल है उससे रेडियस के बराबर अंदर होना चाहिए, मतलब 3 सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे पॉइंट को ट्रैक करूं, एक अंदर एक डायमेंशन बनाओ जो बाहर की बाउंड्री से 3-3 सेंटीमीटर अंदर है, देख रहे हैं आप, थोड़ा भी आपने ये डिस्टेंस जो है रेडियस से कम किया तो सिक्का बाहर चला जाएगा, क्लियर। तो अगर एक अंदर हम लाइन बना दें इस तरह से, और ये लाइन जो है वो आउटर बाउंड्री ऑफ टाइल से 3-3 सेंटीमीटर अंदर है, तो इस कारण से अगर हम बाहर की टाइल को देखें विच इज 10 सेंटीमीटर, तो अंदर वाले में कितना डायमेंशन कम हो जाएगा, 3 यहां से कम हो गया 3 यहां से कम हो गया, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अंदर भी स्क्वायर ही बनेगा, कितने का स्क्वायर बनेगा, 4 बाय 4 का, ठीक है। तो बेसिकली सिक्के का जो सेंटर है वो कहाँ लाइ कर सकता है, अंदर वाले स्क्वायर। तो हमारा फेवरेबल जोन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस में आप अंदर का स्क्वायर लेंगे जिसका डायमेंशन 4x4 हो जाएगा, टोटल का तो आप एरिया जानते ही हैं कि 10x10 हो जाएगा, ये क्लियर है बात। तो ऊपर आया था 60, नीचे आया था 100 एंड द आंसर वॉज 0.16, बस खत्म, क्लियर बात, ठीक है। एक बात और, जैसे अगर आप ये बोलो यहाँ पे कि हमारा कॉइन यहाँ तक आ गया, मतलब कि हमारा जो सेंटर है कॉइन का वो बाउंड्री ऑफ टाइल पे आ चुका है, ठीक है, तो ये तो हमारा फेवरेबल केस नहीं, अनफेवरेबल केस है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर थोड़ा बाहर भी तो आ सकता है, मतलब अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ कि हमारा सेंटर ही क्रॉस कर जाए यहाँ पे टाइल को, बट वो फिर दूसरी टाइल वाले केस में काउंट होगा, क्योंकि इस टाइल के बगल में भी टाइल है ना, इसलिए हम सिर्फ स्टाइल तक की बात करेंगे। तो आंसर कितना गया, 0.16। बेहद सिंपल कॉन्सेप्ट, हल्की फुल्की ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया पर बहुत ही सिंपल तरीके से, बड़ा प्यारा मिक्सचर किया इसमें ज्योमेट्री, पार्शियल ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी को,
सवाल आसान बन के निकला, ठीक है। एक सवाल और, ये सवाल है जैट 2020, बढ़िया सवाल था, थोड़ा लेंदी सा लग रहा था बट बात सिंपल थी। सब कभी भी लेंदी सवाल को देखिए डरने की जरूरत नहीं है, सवाल समझिए, अगर सवाल समझ में आ गया तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। वो एक बैग में 40 कार्ड थे जो अशोक के पास है, और उसने रैंडमली 1 से 40 तक के इंटीजर्स, ठीक है, तो बेसिकली एक बैग में हमारे पास 1 से 40 तक के हैं, कोई भी नंबर सेम नहीं है, उसने बोला है नो नंबर था सेम इंटीजर्स। उसी तरह उसकी सिस्टर शिल्पा के पास जो बैग है उसमें 5 कार्ड्स हैं जिसमें इंटीजर है 1 से 5, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। तो एक बैग में नंबर 1 से 40 तक है, 1 to 40, एंड इन द नेक्स्ट बैग यू हैव 1 to 5, ठीक है, ये बात है। लता जो उनकी मदर है उन्होंने एक एक कार्ड उठाया अशोक और शिल्पा के बैग से, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, तो एक नंबर 1 से 40 के बीच में आया है और एक नंबर 1 से 5 के बीच में आया, तो अब क्या कर रही है लता जो मदर है, लता डिवाइड्स अशोक वाला नंबर बाय शिल्पा का नंबर, मत बात समझे आप लोग, यहाँ पे जो 1 से 40 का नंबर था उसे 1 से 5 से डिवाइड कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि रिमाइंडर विल नॉट बी ग्रेटर देन 2, रिमाइंडर हमें 2 से बड़ा नहीं चाहिए, 2 तक हो सकता है, क्लियर है बात। तब देख रहे हो एक नंबर 1 से 40 मतलब डिविडेंड हमारा 1 से 40, डिवाइजर हमारा 1 से 5, रिमाइंडर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस बात को बोलने के लिए उसने कितनी बड़ी कहानी बनाई है, तो है ना, तो बात सिंपल होती है, बस बोलने का तरीका होता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला केस, जब हमारा डिवाइजर को डिवाइजर से चलते हैं कहानी है, तो डिवाइजर 1 हो सकता है, डिवाइजर 2 हो सकता है, या डिवाइजर 3 हो सकता है, या डिवाइजर 4 या डिवाइजर 5। इससे पहले टोटल केस तो निकाल ही लेते हैं हम लोग, टोटल केस, टोटल केस क्या होंगे, फ्रॉम द फर्स्ट बैग 40C1, इतने पॉसिबल केसेस हैं एक नंबर उठाने के, फ्रॉम द सेकंड बैग इट इज 5C1, तो 40 × 5 200 केस टोटल यहां पे हो जाते हैं, फेवरेबल केस हम बाद में ऊपर लिख देते हैं। चलिए अगर डिवाइजर 1 है तो देखिए, अगर डिवाइजर 1 है तो रिमाइंडर 0 ही हो सकता है, क्योंकि हर नंबर डिविजिबल होता है यहां पे 1 से, ठीक है, वैसे भी जानते हैं कि रिमाइंडर डिवाइजर से कम ही हो सकता है, तो 1 से डिवाइड करने पर देयर विल बी नो रिमाइंडर फॉर एनी नंबर, सो आप बड़े आराम से 2 की तो बात ही नहीं उठती यहां पे, उससे कम ही आएगा जो भी आएगा, तो आप आउट ऑफ 40 कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं, तो सारे 40 केसेस परमिसिबल यहां पर होंगे। जब डिवाइजर 2 होगा हमारा, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, अगेन 2 से, मतलब हमें 2 से बड़ा अवॉइड करना है, अभी तो 2 तक पहुंचे ही नहीं आप यहां पर। व्हेन डिवाइजर इज 2, रिमाइंडर या 0 या 1 होगा, अगेन आप इसे डिविडेंड के रूप में 0 से 1 से 40 तक सारे नंबर ले सकते हो, क्योंकि 1 से 40 तक सारे नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये तो 0 या 1, बिकॉज डिवाइजर 2 हो चुका है, अगेन सारे 40 नंबर आ चुके हैं, और अगर डिवाइजर 3 है हमारा तो भी रिमाइंडर 0, 1 या 2 हो सकता है, अभी भी 2 से ऊपर नहीं गया हमारा रिमाइंडर, तो यहां पर भी सारे 40 नंबर्स परमिसिबल है, बस ये देख लो आप। तो अगर हमारा यहां पे नंबर 4 से डिविजिबल है तो हमारा जो नंबर होगा वो किस फॉर्मेट का नहीं होना चाहिए, 4 से डिविजिबल नंबर का रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 नहीं चलेगा आपको, तो जो नंबर 4n+3 फॉर्मेट के हैं वो नहीं चलेंगे हमारे पास, उन्हें हटाना पड़ेगा, बाकी सारे नंबर चल जाएंगे, ठीक है। अब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, आप एक बात समझिएगा, लेट अस लिस्ट द नंबर्स 1 से 40 तक जो 4n+3 फॉर्मेट में होते हैं। तो पहला नंबर जब n को 0 को, नंबर 3 हो सकता है, फिर आप n को 1 रख दो तो नंबर मतलब प्लस 4 होता जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, इस तरह से आखिरी नंबर क्या आएगा, 36+3 39। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये एपी बन रहा है, ठीक है, एपी, और एपी का लास्ट टर्म 39 है, आप फॉर्मूला जानते हो एपी में, nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, 4 का आ रहा है, देख लो नंबर कितने बने, ये 4 का कॉमन डिफरेंस आ गया, 36/4 हो गया 9 हुआ n-1, तो n कितना हो गया 10। तो 4n+3 फॉर्मेट के नंबर जो लिखा है मैंने यहाँ पे 3, 9, 11, चाहो तो पूरे लिख डालो आप, 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो 10 नंबर हो गए, 40 में से 10 नंबर अलाउड नहीं है आपको, तो कितने अलाउड है आपको, द रिमेनिंग 30 नंबर्स। बस आगे चलते हैं, व्हेन योर डिवाइजर इज 5 तो हमें क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, 0, 1 और 2 रिमाइंडर एक्सेप्टेबल है, पर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 और 4 भी तो हो सकता है, 5 तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, 5 से कम होगा, तो हमें 5n+3 और 5n+4 के नंबर अलाउड नहीं है, बाकी सब चल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये कौन से नंबर्स होंगे, देखो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5n+3 फॉर्मेट में, 3 हो जाएगा, एक बात मैं बताऊं आपको, 5 के 40 तक आप 8 इंटरवल बना सकते हो, हर इंटरवल में एक नंबर 5n+3 होगा और एक नंबर 5n+4 होगा, जैसे 1 से 5 तक नंबर 3 हो गया, 5 उसके बाद 6 से 10 तक नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, इस तरह से नंबर 13 हो जाएगा,
फिर 18 हो जाएगा इस तरह से, तो हर पांच में नंबर इस तरह का एक बार आएगा, और 40 तक पांच के आठ इंटरवल बनते हैं, तो आठ नंबर इस टाइप के होंगे और आठ नंबर इस टाइप के होंगे। 5n+4 के नंबर्स कौन से होते हैं? 4 होता है, 9 होता है, 14 होता है, 19 होता है बस, उसके बाद 24 होता है, 29 होता है, 34 होता है, 39 होता है, आठ ही तो आएंगे, तो आठ आठ 16, 40 में से 16 नंबर परमिसेबल नहीं है, बाकी 24 अलाउड है आपको, बस जोड़ दीजिए, टोटल केसेस मिल जाएंगे फेवरेबल आपको। तो 40+40+40 120+30 150+24 is 174 फेवरेबल केसेस, और आप यहां पे इसको पहले 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 87, और दो जीरो डेसिमल क्रिएट करेंगे तो पॉइंट आ गया, 0.87 इज द आंसर, ई ऑप्शन आंसर है। देखिए सवाल कितना लेंदी था, जेनेरिक सवाल था, कितने आराम से हो गया, पर हाँ क्वेश्चन देखते हैं किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर की उम्मीद करेंगे तो आंसर नहीं आ सकता, थोड़ा भी लॉजिकली क्वेश्चन में घुसेंगे और थोड़ा भरोसे के साथ केसेस बनाना शुरू करेंगे, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। देखा आपने भाई, पांच में से तीन केस में तो टेंशन हुआ ही नहीं हमको, आराम से बात बन गई, थोड़ा यहां था तो हमने काउंटिंग कर लिया आराम से, बस कहानी खत्म। तो इस तरह के जेनेरिक सवाल आते हैं कैट में, जैट में, इस तरह के एग्जामों में, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती, पर हाँ समस्या क्या होती है, हम इन क्वेश्चन को देखे सोचें कि हमने पहले से क्वेश्चन कब किया, दीज आर न्यू क्वेश्चन, विल ऑलवेज बी न्यू क्वेश्चन, योर प्रैक्टिस विल रियली हेल्प यू आउट इन दिस, बट आपको फिर भी नए क्वेश्चन में एक्सर्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अप्रोचेस और लर्निंग्स आती रहेंगी, सीरीज फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।